हेलो दोस्तों, मैं हरशंकर कुमार इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं जीविका से जो रिलेटेड और क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन आंसर, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं डेस्कटॉप पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका प्रश्न उत्तर क्या होगा। ये खास करके आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, अन्यथा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ रहा हूँ। और तो चलिए आगे गाइज, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि जो ये मेरा वेबसाइट हो गया www.harishankarkumar.in, ये मेरा वेबसाइट हो गया। अगर आप चाहते हैं YouTube के माध्यम से, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, लेकिन अगर वेबसाइट पे भी चाहते हैं कि आप लोग जाके वहां पे हम पढ़ें पूर्ण रूप से देखें, तो ये मेरा वेबसाइट हुआ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके नीचे में देख रहे हैं हरिशंकर कुमार, ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम दिस वेबसाइट। उसके नीचे में आप लोग को जिस क्वेश्चन के बारे में, प्रश्न उत्तर के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है BRLPS जीविका में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019। तो पहले उसको करना क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जीविका है, जीविका जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद जीविका पे क्लिक करेंगे, पूर्ण रूप से यह खुल गया, ये जो चैप्टर है ये पूर्ण रूप से खुला। और यहाँ पे देख रहे हैं कि BRLPS में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे, पूर्ण रूप से यह पुनः आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पूर्ण रूप से यह ओरिजिनल हो गया और ये खुल गया। तो आप चलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन और आंसर किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रश्न उत्तर आपको कैसे चुनना है। तो ऊपर में लिखा हुआ है बिहार जीविका परीक्षा के लिए प्रश्न उत्तर 2019, महिला जीविका स्वयं सहायता समूह में कम से कम कितनी दीदी होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ पे उत्तर में हम दे दिए हैं, उत्तर में 2 नंबर दिए हैं, 10 से 12 सदस्य। उसके बाद दूसरा सवाल, महिला जीविका स्वयं सहायता समूह में अधिक से अधिक कितनी दीदी होना चाहिए। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, यहाँ पे मैं आप लोग को 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा कि जो 4-4 ऑप्शन में रहेगा, बाकी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आंसर दूंगा। उत्तर में है 12 से 15 सदस्य। उसके बाद देखिए 3 नंबर में है, एक महिला जीविका ग्राम संगठन में कम से कम कितनी समूह होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, चारों हैं, इसमें आपको उत्तर चुनना है। 2 नंबर दिए हैं, 8 से 15 समूह। उसके बाद देखिए 3 नंबर 4 नंबर सवाल है कि एक महिला ग्राम संगठन में कम से कम अधिक से अधिक कितनी समूह होना चाहिए। देख रहे हैं आप, उत्तर में दे दिए हैं कम से कम अधिक से अधिक 15 से 20 समूह होना चाहिए। 4th नंबर, महिला जीविका स्वयं सहायता समूह का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंग्लिश में कहते हैं SHG, हिंदी में कहते हैं सेल्फ हेल्थ ग्रुप, जिसे लिखा हुआ है सेल्फ हेल्थ ग्रुप। 5वां सवाल है, जैसे कि अब एवं प्रकार से आप देख रहे हैं, आज आप लोगों के लिए मैं 50 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जो कि 50 क्वेश्चन को पूर्ण रूप से बारीकी रूप से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और स्क्रीन को ऊपर खींचते हुए मैं आप लोगों को पुनः दिखा रहा हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि महिला जीविका CLF का फुल फॉर्म क्लस्टर लेवल फाउंडेशन होता है, और आप लोग फैकल्टी में देख रहे हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, इसका हिंदी हुआ संकुलीय स्तरीय संघ। जीविका में HRF का फुल फॉर्म क्या होता है, हेल्थ रिस्क फाउंड हिंदी में भी लिखा हुआ। ये सब इसी में से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बारीकी से मैं आप लोग को पुनः क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ऊपर खिसका के, क्योंकि आप लोग को जीविका में VRP का फुल फॉर्म क्या होता है, विलेज रिस्पॉन्ड पर्सन। जीविका में PRP का फुल फॉर्म क्या होता है, जीविका में CM का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिटी मोबिलाइजर। और JRP का क्या होता है, जॉब रिसोर्स पर्सन। जीविका में JS का फुल फॉर्म क्या होता है, जीविका सहेली। तो कम से कम आप लोगों के लिए दोस्तों 600 क्वेश्चन हम बना लेके आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को मैं दिखाऊंगा। पहले आप 85 क्वेश्चन को पहले आप देखिए पूर्ण रूप से, ये 17वां 18वां क्वेश्चन हो गया, 19वां है, देखिए आप लोग को मैं पुनः दिखा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं ऊपर खींच के ले जा रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ।
जीविका में सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो SWI का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जीविका में SWI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम विद इंडेंसिफिकेशन। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एवं प्रकार से जीविका में SRI का फुल फॉर्म क्या होता है। जीविका क्या है? बिहार सरकार का गरीबों के उत्थान के लिए एक परियोजना है। बिहार में जीविका कब शुरुआत हुआ? 2 अक्टूबर 2007 में शुरुआत हुआ। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रथम चरण में कितने जिलों में प्रारंभ हुआ? 6 जिलों में। यही क्वेश्चन है सब जो कि आप लोग को सबसे महत्वपूर्न और लाइफ बनाने की सवाल है। जब तक आप इसको पूर्ण रूप से पूरी वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं तो आप लोग को क्या कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जैसे ही मेरे चैनल पे आप लोग बराबर वीडियो देखते रहिएगा तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो इसी प्रकार का देते रहूँगा। जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 29 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ फिर 30 नंबर का है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ महिला जीविका स्वयं सहायता समूह का मीटिंग कितने दिन पर होता है। तो आप लोग को नहीं पता हो तो जान लीजिए एक सप्ताह में एक बार होता है, महीना में 4 सप्ताह होता है तो 4 बार होता है। महिला जीविका स्वयं सहायता समूह का कौन सा पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन पदाधिकारी होते हैं? अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 3 ही पदाधिकारी होते हैं। बिहार में जीविका का विस्तार पूर्ण रूप से कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 से। जीविका में DPM का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। और आप लोग जैसे कि देख भी रहे हैं, मैं काफ़ी आप लोग को बता रहा हूँ स्थिर से। जीविका परियोजना क्या है? गरीबी उन्मूलन हेतु बिहार सरकार की पहल है। जीविका परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था? बिहार में। बिहार जीविका स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत एक सप्ताह में कितनी बचत होती हैं? 10 रुपया प्रति दीदी एक सप्ताह में 10 रुपया बचत करती हैं। जीविका का उद्देश्य क्या है? गरीबी चिन्हित करना। ग्राम संगठन का उद्देश्य क्या है? समूह का देखरेख करना। जीविका कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला खर्च कम करना चाहिए। जीविका समूह में अध्यक्ष का क्या काम है? SHG का देखरेख करना। जीविका समूह में सचिव का क्या काम है? रजिस्टर रखना। जीविका समूह में कोषाध्यक्ष का क्या काम है? रुपया रखना। रोकर बही कितने प्रकार के होते हैं? रोकर बही कितने भाग होते हैं? 2 भाग, बायां भाग प्राप्ति, दायां भाग भुगतान। रोकर बही का उद्देश्य क्या है? अंतिम नगद शेष जानना। लेखांकन क्या है? कला और विज्ञान। लेखांकन पुस्तिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य पुस्तिका और सहायक पुस्तिका। तो जैसे कि आप ये लास्टवा क्वेश्चन देख रहे हैं, रोकर बही की प्रथम पुस्तिका कितने प्रकार के होते हैं? रोकर बही, लेखांकन की प्रथम पुस्तिका किसे कहते हैं? रोकर बही के। तो जब तक आप लोग लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हैं तब तक आप लोग को फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप से आप लोग को बराबर मैं अपनी वेबसाइट पर क्वेश्चन देते रहता हूँ। और कम से कम आप लोगों को इसी तरह से हम 600 क्वेश्चन डालेंगे और 600 क्वेश्चन में हम 100 क्वेश्चन का फिक्स करेंगे और आप लोग को 600 क्वेश्चन याद करना है। बाकी जो बाद में हम 100 क्वेश्चन का इसमें से जो निकालेंगे 100 पूर्ण रूप से तैयारी जो आप लोग को करना होगा और उस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब तक आप लोग मेरे चैनल पर अपडेट नहीं रहते हैं और अगर आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक आप लोग को जीविका से संबंधित जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर होगा तो आप लोगों के पास नहीं पहुंच सकता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत से अच्छा अच्छा वीडियो लेके आता हूं और आप लोग देख भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट भी कर सकते हैं। बारीकी से मैं फिर आप लोगों को ऊपर ले जा रहा हूं और ऊपर से पुनः आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि किस टाइप से ये किया जाता है, तो देख भी सकते हैं आप लोग को। जैसे कि आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको इसमें अगर कोई परेशानी होता है, अगर जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आता है तो वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं जो सर हमें ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आप ही के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। और जब तक आप लोग ये वीडियो को नहीं देखेगा तब तक हम इस वीडियो का क्या काम है? जब तक आप लोग देखते हैं तब तक इस वीडियो का काम है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि इसी तरह से अपडेट रहें और क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँ तो आप लोग को इस चैनल को
पुनः अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग